आई गेयर चॉप मिक्स वेजिटेबल प्लस फ्रूट चॉपर, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज दी गई है, BPA फ्री है। और इस साइड बॉक्स के साइड आप देखोगे यहाँ सारी डिटेल दी गई है, इसको दिखाया गया है कैसे हमें इसे यूज़ करना है। ये दो कलर वेरिएंट्स में मिलता है, वुडन कलर और ब्लैक कलर। मैंने वुडन कलर वाला वेरिएंट मंगाया है। हाउ टू यूज़, यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। इसकी MRP है 2000 रुपीज़, लेकिन इस समय आपको अमेजोन पर 1600 रुपये में मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अंदर 1500 mAh की बैटरी दी गई है, मोटर स्पीड है 1600 RPM, BPA फ्री है, 304 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड इसके अंदर दिए गए हैं, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और इसकी कैपेसिटी है 250 ml। तो इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है। इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है कैसे हमें इसे यूज़ करना है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे एक साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, जिसके एक एंड पर सी टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB A टाइप कनेक्टर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्लीनिंग ब्रश भी दिया गया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मुझे ये लग रहा है। ये है आई गेयर का चॉप मिक्स। इसके अंदर आप वेजिटेबल और फ्रूट को चॉप कर सकते हो। यहाँ पर आई गेयर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये आपको दो कलर वेरिएंट्स में मिल जाएगा, ब्लैक और वुडन। तो मैंने वुडन वाला वेरिएंट मंगाया है, जो कि मुझे देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। पूरी तरह से ABS प्लास्टिक से बनी हुई बॉडी है और काफी ड्यूरेबल प्लास्टिक मुझे इसकी लग रही है। नीचे वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन दिया गया है। 250 ml इसकी कैपेसिटी है और इसे ओपन करने के लिए आप यहां पर देख रहे हो लॉक अनलॉक का यहां पर दिया गया है। जब आपको इसे ओपन करना हो तो आपको इस तरफ इसे मूव कराना होगा, इस तरह से आप इसे रोटेट कराओगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इस साइड मैंने जब इसे कर दिया है तो ये हमारा यहाँ से अनलॉक हो गया है और इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे आप बहुत ही आसानी से इस तरह से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर इसकी मोटर की शाफ्ट वगैरह दी गई है और यहाँ पर इसके अंदर 3 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड दिए गए हैं। 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत ही शार्प ब्लेड है, ये 3 ब्लेड हैं और इसे क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। क्लीन करने के लिए यहाँ पर हमें एक ब्रश दिया गया है, जिससे आप इजीली इसे क्लीन कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर काफी ध्यान रखना होगा, ब्लेड बहुत ही ज्यादा शार्प है। और यहाँ पर नीचे की साइड एंटी स्किड रबर पैडिंग दी गई है, जिससे जब हम इसे यूज कर रहे होंगे तो ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। और यहाँ पर इसका सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिससे हम इसकी रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर 1500 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है। तो मैं वेट भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका वेट है 305 ग्राम। इसे यूज करना बहुत ही आसान है। ऊपर की तरफ एक पुश बटन दिया गया है, जिससे हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ बादाम ले लिए हैं और मैं इन्हें क्रश करके देखने वाला हूँ कि बादाम इसके अंदर क्रश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमें सिंपल यहाँ पर इसे लॉक कर देना है। ये जो हमारी शाफ्ट है, इसको इस तरह से रखकर आपको इसे इस तरह से लॉक कर देना है। देख रहे हो दोनों साइड से ये लॉक हो चुका है। तो इस बटन को हमें पुश करना है, ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, ये देखिए। और इसे हमें लगातार दबा के रखना है। जितनी देर आपको इसे चलाना है, उतनी देर आपको इस बटन को दबा के होल्ड करके रखना है। देखते हैं बादाम को ये क्रश कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो बादाम को इसने पूरी तरह से क्रश कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर और हरी मिर्च ले ली है और अब इसको चॉप करके देखेंगे। तो इसमें यूज़ करने से पहले आपको इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चार हिस्सों में इसे कर लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालेंगे, प्याज डाल देता हूँ। प्याज के चारों पीस मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और बस इसे लेते हैं और इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से लॉक हो जाएगा। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर इसका जो बटन दिया गया है, इसे हमें पुश करना है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं प्याज का क्या हाल किया है इसने। देख सकते हो भाई, बहुत अच्छी तरीके से इसने प्याज को कर दिया है। तो इसकी प्याज इसने पूरी तरह से
प्याज को कर दिया है चॉप। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर बात करें इसकी कमियों के बारे में, इसके अंदर मुझे कोई कमी देखने को नहीं मिली। हाँ, इसकी कीमत ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।